गाइस हमने आलू अपना उबाल लिया है। वाओ, हमारा आलू जो है बल्कि तैयार है। एक आलू निकालेंगे हम और देखेंगे कि हो गया है कि नहीं। गरम है थोड़ा सा, हो गया आलू, देख सकते हैं आप, फूट गया आलू। तो आलू हमारा हो चुका है, तो हम इसको छील लेते हैं धो के। तो दोस्तों, हमने कढ़ाई गरम करने के लिए दाल रख दिया था और इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी आपके पास ना हो तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। आज हम बनाएंगे दोस्तों व्रत में खाने के लिए फलाहारी। फलाहारी का नाम तो सुना होगा, आलू का बनाते हैं और उसमें मूँगफली सिंगदाना बोले तो डाल देते हैं। जो हमने हमारा घी गर्म हो गया है, हमने इसमें डाल दिया है मूँगफली, मूँगफली के दाने, और इसको थोड़ा ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। तो ब्राउन होने तक इसको हम भून लेते हैं, चलाते हुए रहना है, नहीं तो जल जाती है मूँगफली। तो इसको चलाते हुए देसी घी में हमने इसलिए हम भून रहे हैं। आपके पास नहीं हो तो साफ़ रिफाइंड का तेल भी यूज कर सकते हो। तो हमारी मूँगफली जो है लाल हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। और उसके बाद आज का जो मैं बताऊंगा आपको खाने का, मतलब सिंगदान आलू दम बनाने का तरीका, मतलब व्रत में खाने वाली फलाहारी का, वो बहुत ही यूनिक होता है। तो हमने देखिए निकाल लिया है, बहुत ही लाल लाल आइए घी भी आ गया, निचोड़ के निकालना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा। जीरा व्रत में खाया जाता है तो हम जीरे का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, और जीरा डाल बहुत सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तो जीरा डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, काटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, खड़ी भी डाल सकते हैं। तो हम हरी मिर्च कटी हुई इसमें डालेंगे, और उसके बाद इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये मतलब ब्राउन, मतलब थोड़ा कलर में ना जाए। थोड़ा इसको कलर चलाते हुए और इसको हम ब्राउन करने के बाद इसमें हम डालेंगे नेक्स्ट आइटम जो हमारा है, वो है टमाटर। टमाटर डालेंगे हम इसमें, थोड़ी हमारी मिर्च को और ब्राउन कर, मतलब भून लिया जाए, थोड़ा सा हरापन जो है ब्राउन में आ जाए, मतलब जल जल जाए थोड़ी सी हरापन, थोड़ा सा चलाते हुए। तो व्रत वाला हम बना रहे हैं फलाहारी, व्रत में खा सकते हैं हम, किसी भी व्रत में खा सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग करेंगे हम इसमें। तो हमारा जो मिर्च है वो तैयार है, अब इसमें हम एक बड़ा टमाटर कटा हुआ डालेंगे और उसके बाद इसको भी हम चला लेंगे। तो दोस्तों इसको पूरा गला लेंगे इसमें, जब तक चलाएंगे जब तक ये पूरा गल ना जाए। तो हमारा जो है टमाटर हुआ कटा हुआ, मतलब इसे उबाल के हमने आलू को फोड़ लिया। काटेंगे तो एक अलग फोड़ आएगा, और नहीं काटेंगे तो थोड़ा मतलब नहीं घुलेगा, मज़ा आता है उसका फोड़ के खाने में। तो दोस्तों हमने अपना कर लिया है, आलू इसमें डाल दिया है। अब आलू के बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया, लगे हाथ धनिया भी डालेंगे, धनिया भी खाते हैं बर्तन को, हम धनिया का छिड़काव करेंगे थोड़ा सा। आलू गला हुआ था, मूँगफली हमने भून ली थी, और साथ टमाटर को डाल दिया था आपके सामने। तो झटपट बना के फलाहारी ऐसे भी खा सकते हैं, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, धनिया नमक भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो आइटम है तैयार है, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आइटम क्या बनाएं आपके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम वो बना के आपको खिलाएंगे। देख सकते हैं आप कटोरी में निकालने के बाद कितना टेस्ट, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों मुंह में किसके किसके पानी आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।